तो शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश पहले से ही अव्वल रहा है, लेकिन बहुत कुछ और बदलने की जरूरत थी और वही काम जयराम सरकार भी कर रही थी, लेकिन कितना कर पाए। हमारे साथ खुद इस वक्त शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है गोविंद सिंह ठाकुर साहब, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका। जी बहुत धन्यवाद अतुल प्रताप सिंह जी। ठाकुर साहब, शिक्षा को लेकर क्या योजनाएं हैं और कितना रोडमैप आगे बनाने की तैयारी आप कर रहे हैं, वो सवाल तो मेरा बाद में होगा, लेकिन मोटा मोटा 3 साल और शिक्षा व्यवस्था क्या है उसका हाल? हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर 2017 को जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनी थी जी, और उस समय पहली पीढ़ी से अगली पीढ़ी के हाथ में नेतृत्व गया था, और उस सरकार ने ये जो 3 वर्ष का कार्यकाल है ये बहुत अभूतपूर्व है, सफल है, उपलब्धियों भरा है और शानदार रहा है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 3 साल की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सर्वांगीण विकास किया है, हर वर्ग का और हर क्षेत्र का विकास किया है, और उसने वृद्धों से लेकर के हर क्षेत्र में जो करने योग्य था वो सबका सब काम किया है। और जहां तक शिक्षा के क्षेत्र का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सदा अग्रणी रहा है, और अभी हाल ही में इंडिया टुडे के सर्वे में भी हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है, तो इसलिए निश्चित रूप से हम सर्वश्रेष्ठ हिमाचल बनाने की ओर अग्रसर हैं। गोविंद सिंह जी, एक बात है बहुत सरल है और बहुत ही व्यवहारिक है, वो ये कि हाँ हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की अगर बात की जाए तो पहले से ही वो चीजें दुरुस्त रहीं और लगातार तमाम सरकारों में उस पर काम हुए, लेकिन आप लोगों के आने के बाद जहां एक तरफ कोरोना काल में उस क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा है वो भी एक चुनौती थी, लेकिन उसके अलावा किस तरीके से तकनीकी के तौर पर उसमें बदलाव किए गए, क्या योजना उस पर बनाई गई और उसमें कितनी सफलता मिली, और कोरोना आ जाने के बाद अचानक से उस पर कितना बड़ा आघात पहुंचा, वो चुनौती खड़ी हो गई। 23 मार्च 2020 को कोरोना के कारण से लॉकडाउन लगा जी, और तब से लेकर के हमने ये प्रयास किया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, और उसी समय हमने समग्र शिक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में हर घर पाठशाला कार्यक्रम प्रारंभ किया जी, और जिसके माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का काम हमने किया, और हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम हर घर पाठशाला के कारण से 95% बच्चों तक हम अपनी पहुंच बना पाए, और उसके अतिरिक्त कई क्षेत्र ऐसे भी थे जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रश्न था या बच्चों पर मोबाइल फोन नहीं थे, तो वहां पर हमारे अध्यापकों ने अपने आप व्यक्तिगत रूप से जाकर के कक्षाएं भी ली है और बच्चों के घर तक भी लिखित नोट्स पहुंचाए हैं। और दूसरा यह है कि उसके साथ साथ तो एक बड़ा काम जो हमारे टीचर्स ने उस समय किया है कि अपने प्रदेश के रिसोर्स ग्रुप ने इस सारे काम को किया है, कंटेंट सबने तैयार किया, और उसके साथ साथ हमने जियो टीवी के साथ मिल करके हिम शिखा और एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, हिम शिखा हायर एजुकेशन के लिए ऐसे भी चैनल हमने लॉन्च किए, और जिनका कंटेंट हमारे टीचर ने प्रारंभ करके बच्चों तक हमने शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। और उसी समय में हमने एक और काम किया कि प्रदेश में हमारे जो लाखों बच्चे पढ़ते हैं उन सब बच्चों के पेरेंट्स से और टीचर से लगातार हमारा वार्तालाप होता रहे, हमने ईपीटीएम की, और ईपीटीएम के माध्यम से भी हजारों लोगों से जुड़ करके ये शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पर सबका सहयोग लिया है, और उसे ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के समय में पढ़ाई बाधित रहो और सफलतापूर्वक तरीके से हमने बच्चों की परीक्षाएं भी जहां संभव थी वो हमने कुछ फिजिकल भी करवाई है, और अभी हायर एजुकेशन में जो हमारी एडमिशन हुई है उनमें भी कमी नहीं आ पाई है, हालांकि ऑनलाइन एडमिशन भी हमने सारे प्रदेश में की है, तो इसलिए हर स्तर पर हिमाचल की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को संभाल के रखा है। लेकिन अब आने वाले दिनों में हमारा कोशिश यह है कि अगर ऑनलाइन शिक्षा से कोई कमी रहेगी तो लगभग 12 फरवरी के बाद हम विद्यालयों को खोलने पर भी विचार कर सकते हैं। चलिए, आपने कहा कि विचार आगे होगा कि विद्यालय कब खुलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब हर घर पाठशाला का आपने जिक्र किया, वाकई एक बहुत अच्छी योजना ये थी,
कोरोना काल में पूरे देश की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा को लेकर व्यवस्थाएं की गई, लेकिन हिमाचल ने एक अलग तरीके की ऑनलाइन व्यवस्था भी की और साथ में अभिभावकों को भी इससे कनेक्ट किया। हर घर पाठशाला में जब शिक्षक पहुंच रहे थे या फिर ऑनलाइन तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, उसमें 2 घंटे एक तरीके से अभिभावकों की भी ड्यूटी लगी थी कि हाँ अभिभावक भी उसमें शामिल रहे, वो भी उसका जरिया बने। इसको लेकर किस तरीके का तालमेल आप लोगों ने बिठाया, कनेक्टिविटी कैसे उनकी बनी, क्योंकि तमाम ऐसे अभिभावक हैं जो कि चाहकर भी शायद उस विद्या को नहीं पहुंचा सकते या अपने बच्चों को वो ज्ञान नहीं दे सकते क्योंकि शायद उनको उतना उस चीज का उसकी जानकारी ना हो। तो क्या उनको लेकर भी आप लोगों ने अलग से कोई व्यवस्था की थी जिस पर कुछ सफलता मिली? देखिए, निश्चित रूप से इसी सारे संबंध में हमने अभिभावकों से लगातार ईपीटीएम हम करते रहे और अभिभावक जुटते रहे। अभिभावक बहुत उत्साह में थे, लेकिन उसके बावजूद हमने एक और भी कहा था कि जब भी अभिभावक हैं या बच्चे हैं, यदि वो स्कूलों में आकर के अध्यापकों से कोई वार्तालाप करना चाहते हैं तो स्कूलों में हमारे टीचर उपलब्ध रहते थे और अगर किसी को कोई समस्या है तो वो फिजिकली भी जा करके गाइडेंस ले सकते थे। और लेकिन उसमें यह था कि अभिभावक यदि उसमें अपनी मंजूरी प्रदान करें तो दोनों तरह से हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों हमने चालू रखे हैं, जिसका लाभ बच्चों को भी मिला और अभिभावकों ने इस सारे काम को हमारे सराहा है। लेकिन तब भी एक बात तो वास्तविकता है, जितना फिजिकल तरीके से एजुकेशन अच्छी होती है और ये लगता है ऑनलाइन बोर्ड से शायद उस श्रेणी तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम सब की एक मजबूरी थी कि दूसरा कोई रास्ता नहीं था और जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमको मजबूरी वश ये सब का सब काम तो चलाए रखना पड़ेगा ताकि अधिक नुकसान ना हो, जितना हम नुकसान को कम कर सकते हैं उसको कर सके। नहीं, बिल्कुल सही बात कहा आपने गोविंद सिंह ठाकुर साहब की, ये मजबूरी थी और पूरी दुनिया मजबूर हो गई कोरोना की वजह से, लेकिन उसमें जो बदलाव कर सकते थे उसमें उस बदलाव को करने के साथ साथ नया तंत्र बनाया गया। अब सवाल यहां पर यह है कि आप लोगों ने जहां अभिभावकों का साथ लिया, अभिभावकों ने आपका भी साथ दिया और कम से कम जो जैसे हो सकता था वो शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ती रही, लेकिन उसी बीच में निजी स्कूलों का मामला आ गया। आपने इसको लेकर निर्देशित भी किया है, बहुत सख्ती की बात भी कही है, लेकिन क्यों आखिर ये परिस्थिति बनी जबकि आप लोग लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे, वो मनमानी वाला मुद्दा कहां से आ गया निजी स्कूलों का, या उनका भी अपना कोई एक विषय है जो उनकी भी परेशानी है? देखिए, सबसे पहले तो ये हमको लगता है कि जो 1997 में जो भी गाइडलाइन बनी थी, जो एक्ट आया था, उसमें फीस संबंधी बातों पर सरकार का किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। हेलो, आवाज आ रही है? कट गया। हेलो गोविंद जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। जी जी आ रही। तो अभी हमने एक विचार किया है कि किसी प्रकार से जो निजी स्कूल है छात्रों से कोई मनमाने यानी कोई भी फीस इत्यादि ना ले, उसके लिए हमने कहा है कि मार्च के सत्र में हम 1997 के एक्ट में कुछ संशोधन लाएंगे ताकि यदि कोई इस प्रकार की कोई गड़बड़ करता है तो उसकी शिकायत उसमें हो सकती है। लेकिन एक बात मेरी मानना यानी कि आवश्यक है कि हिमाचल में लगभग 5 लाख बच्चे निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कोरोना के कारण से अभिभावकों पर भी बहुत प्रेशर और आर्थिक हानि हुई है। इसलिए हमने सबसे निवेदन किया है कि ऐसे समय में सभी को केवल मात्र ट्यूशन फीस लेना चाहिए और अभी महीने 2 महीने में जब कोरोना वैक्सीन आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारी समस्याओं का समाधान होगा। और अभी हमने डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में और जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन है उसके सेक्रेटरी रहेंगे, एक कमेटी बनाई है, जहां जहां पर इस प्रकार के मामले आएंगे, कोई शिकायतें आएंगी तो उसका समाधान भी करेंगे। और निजी स्कूलों से हमने निवेदन किया है कि अभी तक वो ट्यूशन फीस ही ले ताकि बच्चों के पेरेंट्स पर कोई और अधिक दबाव ना पड़े। और साथ में यह भी कहा गया है यदि कोई फीस ना दे सकते हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाई के से उनको हटाया ना जाए और पढ़ाई उनकी जारी रहनी चाहिए और किसी प्रकार का कोई मैसेज या दबाव जो है पेरेंट्स पर नहीं होना चाहिए। गोविंद सिंह ठाकुर साहब, प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा का समय है और हमें यानी भारत को आपदा को अवसर में बदलना है, यह सकारात्मक उन्होंने एक बात कही थी, अपील कही थी, लेकिन मानव व्यवहार होता है, आप बखूबी जानते होंगे, बड़े अनुभवी आप राजनेता हैं, कि कई लोग अवसर तलाश लेते हैं नकारात्मक तौर पर।
जो सवाल मैंने किया था कि निजी स्कूल, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे निजी स्कूल गलत कर रहे हैं, उनका कोई योगदान नहीं है शिक्षा में, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी इस कोरोना काल में बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बनाई है, लेकिन कुछ वही नकारात्मक अवसर तलाशने वाले हैं, क्या उनको लेकर जो अभी तक आपने निर्देशित किया है वहां पर वो समस्याएं अपील के तौर पर समाधान हो चुकी हैं कि हाँ आपके अपील पर या आपके निर्देश पर उन लोगों ने बात मान लिया है? क्योंकि कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं, तो मॉनिटरिंग अभी हो रही है या होनी बाकी है? अतुल प्रताप सिंह जी, आपका प्रश्न बहुत जेन्युइन है। अभी हम ये कह सकते हैं कि सबके सब निजी स्कूल नहीं, अधिकतर निजी स्कूल ऐसे हैं जो आगे बढ़ करके बच्चों की मदद कर रहे हैं जी। और बहुत से निजी स्कूल ऐसे जिनको ये मालूम है कि गरीब बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनकी फीस माफ स्वयं भी कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा इस प्रकार के काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग नकारात्मक सोच वाले रहते हैं जो ऐसी गड़बड़ी करते हैं। और इसे जनरलाइज करना कि सबके सब निजी स्कूल गलत हैं, ये मेरा कहना नहीं है। इसमें कुछ प्रतिशत तक हो सकते हैं जी। लेकिन हमारा जनरली सबको हमारा निवेदन भी है, और जहां पर हमको लगेगा कि यदि कोई नहीं मानने वाला है, अगर कोई वहां पर सख्ती करने की आवश्यकता पड़ी वो करेंगे। लेकिन उन निजी स्कूलों को मैं धन्यवाद करता हूं जो ऐसे सारे समय में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पूरे समाज की मदद कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, बच्चों पर फीस का अनधिकृत बोझ ना पड़े, इन सब बातों का जो ध्यान कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो कुछ एक नहीं मान रहे तो उनको भी मानना चाहिए, हमारा निवेदन, ताकि कोई सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता ना पड़े। गोविंद सिंह ठाकुर साहब, मैं कुछ और सवाल लूं, उसके पहले एक सवाल इसी से जुड़ा और ले लेता हूं। जैसा आपने बताया भी कि आप बार बार अपील भी कर रहे हैं, निर्देश भी कर दे रहे हैं, और साथ में इसको लेकर व्यवस्थाएं भी आगे बनेंगी सरकार के तौर पर, मंत्रालय के तौर पर, रिकवरी को लेकर एक सवाल आया। आपने भी जो बात कही है कि सख्त कार्रवाई होगी अगर किसी ने कुछ इस तरीके से मनमानी फीस वसूली होगी, रिकवरी को लेकर जो निर्देश अभी तक दिया गया है या बोला गया है, ये सिर्फ मौखिक ही है, क्या इस पर कोई कार्य योजना है कि हाँ अगर किसी ने मनमानी की है और किसी को परेशानी हुई है तो रिकवरी भी तय है? देखिए, अभी जो हमारी कैबिनेट हुई थी उसमें हमने कहा डीसी की अध्यक्षता हमने कमेटी का गठन किया है जी। और जितने ऐसे मामले हैं वो वहां पर आएंगे, और निश्चित रूप से वहां पर यदि कोई इस प्रकार के मामले हैं तो हमारे डेप्टी कमिश्नर और हमारे हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर बैठ के उसका समाधान करेंगे।